हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी, हम आ गए हैं और रैंडम रीडिंग लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग करते हैं। रैंडम रीडिंग तो बहुत फेवरेट टॉपिक होता है आप लोगों का। इसमें क्या होता है कि पता चल जाता है कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी हैं, क्या चल रहा है जीवन में, तो उस हिसाब से हम बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि टैरो क्लासेस का जो 6th बैच है, जो कि इस साल का आखिरी बैच होने वाला है, उसकी एनरोलमेंट चल रही है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एनरोल कराना तो प्लीज़ हमें अवश्य कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और 20 तारीख से जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा संडे को, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो लोग सीखना चाहते हैं टैरो, वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, जो कि आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आपको हीलिंग देते हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने किसी के किए खराब पानी फेर रहा है क्या? किसी का काम खराब किया है आपने? आपकी एनर्जीज ऐसी हैं, एक तो आपने जाने अनजाने में हो सकता है किया हो, बट किसी का काम जो है वो बिगड़ गया है और उसका कारण आप हैं। पता नहीं किसकी एनर्जीज है। दूसरी बात, एक चीज़ हमें और लगी है कि एक्सपेक्टेशंस पे कभी कोई खरा नहीं उतरता है, तो किसी से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दीजिए। अब आपने किसी के बारे में कुछ धारणाएं बनाई थी कि भाई जब हमको ज़रूरत होगी तो ये पर्सन हमारे लिए अवेलेबल होगा या होगी, जो कि ऐसा हुआ नहीं। तो जैसे ही आपका एक्सपेक्टेशंस पे कोई खरे नहीं उतरे, तो आपका उससे भी दिल जो है थोड़ा ज़ख्मी हमें दिखाई दिया। कन्फर्मेशन है, 333 हमने देखा कि आपका दिल जो है वो थोड़ा सा दुखा हुआ है, एक हार्ट एक है, तकलीफ़ है दिल में कि इतना किया, इतना किया, इतना दिया, इतना दिया और कुछ नहीं मिला है बदले में। और एक्सपेक्टेशंस, बेसिकली एक्सपेक्टेशंस जो है वो किसी की टूटी है, आप लोगों में से किसी की। जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिएगा। हीलिंग पे हमको समझ में आया है, देखिए एक्सपेक्टेशंस होती ही टूटने के लिए है, तो किसी से उम्मीदें रखनी ही क्यों। लेकिन हाँ, हम लोग इंसान हैं, उम्मीदें रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि आज हम इसके हेल्प में आए हैं, कल को ये फलान पर्सन हमारी हेल्प करेंगे, बट ऐसा होता थोड़ी है। सब कोई हम लोगों की तरह होता तो फिर क्या ही दुनिया होती। नहीं, खैर कोई बात नहीं, कर्मा बिलीवर्स, हमने ये गांव बसाया है, इस गांव में हमारे जैसे लोग और भी आते ही होंगे। हम अपने सोल फैमिली से मिलेंगे कभी ना कभी। हमारा एक पूरा ग्रुप बन गया है, देखिए कितना अच्छा लगता है, है? खैर जो भी है, माता रानी देख रही हैं, उनको देखने दीजिए। देख रही हैं ना, ये भी बहुत बड़ी बात है, उनको अपना काम करने दीजिए। कभी कभार बोलता है ना कि कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, छोड़ दीजिए,
सब कुछ हमारे बस का नहीं होता है भाई। तो रैंडम रीडिंग है, और आपने किसी का काम खराब किया है, हैं? किसी का काम खराब तो हुआ है आपकी वजह से, कुछ तो आपने मतलब, या तो आपने किसी चीज़ को मतलब, किसी ने बहुत उम्मीदें लगाई आपसे, आपने जवाब दे दिया एन मौके पे, बट किसी का कुछ काम खराब हुआ है आपकी वजह से, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस चीज़ के, या जो भी है। अभी हम देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है, और रैंडम रीडिंग है तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है? देखते हैं किसकी क्या एनर्जी जा रही है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या कुछ चीज़ों से डील कर रहे हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं इस समय। ओ तो ध्यान देने योग्य ये है, पहला कार्ड है फोर ऑफ वंड्स, कोई सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हैं या तो कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं हम क्या है ये, परिवार के साथ कहीं जाएंगे आप लोग आने वाले टाइम में। फोर नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप लोगों को फोर 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 बहुत दिख रहा है ना तो समझ जाइए जीवन में भर भर के स्टेबिलिटी आ रही है आपके। शादी या बंधन में भी कुछ लोग बंधेंगे, बाकी देखते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ के लिए आया है। एक गैदरिंग है फॉर श्योर, आप इकट्ठा हो रहे हैं किसी के साथ, एक परिवार के साथ, ठीक है, फैमिली टाइम गुजारेंगे अच्छा वक्त, और एक सेलिब्रेशंस। तो कुछ हमारे घर में तो आ गया, कल पहला कार्ड आया है शादी का किसी का, मतलब नवंबर में शादियों का टाइम होता है ना, यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, ओके, और साथ में आया है एक और कार्ड टेन ऑफ वॉन्ड्स। कमर कस लीजिए आप लोग, आप लोग जो सोच नहीं रहे ना वो हो रहा है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है आप लोगों की गाइस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, झाड़ू पोछा करने के लिए तैयार हो जाइए। कहने का मतलब है कुछ लोग यहाँ पे शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। एक ऐसी स्टेबिलिटी है जहाँ पे आप सोचेंगे अरे नहीं चाहिए ऐसी स्टेबिलिटी भाई, जिसमें घर का काम करना पड़े। लेकिन 30 नंबर है, ब्रूम लिखा है, और ये नंबर होता है डेथ का, ठीक है। फाइनली आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सैजिटेरियस एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है गाइस आप लोगों की बहुत ज़्यादा। तो ये कोई आपके करियर की भी एनर्जीज हो सकती है, करियर का भी मामला हो सकता है, जिसमें आप लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद दी जाए। घबराइएगा नहीं, टेम्पररी होती है एनर्जीज, ठीक है, और हम तो रोज आते हैं आपको पता है, हायरोफेंट है, शादी मुबारक हो, बहुत सारे लोगों की शादी होने के आसार हैं यहाँ पे। और पॉसिबल है कि आप लोग कहीं किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, किसी सेलिब्रेशन में, वहाँ पर आप आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, या किसी से मुलाकात आपकी करवाई जा सकती है, ठीक है। सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, तभी आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट है, जब आप एक विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आगे देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो सकते हैं आप, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं ये आपके, जिससे आप मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो बता देते हैं कि ये कनेक्शन आसान नहीं रहेगा, और आप लोग कहीं ना कहीं शायद रेडी हैं, तब जाके आपको ये कनेक्शन दिया जा रहा है। लाइफ लेसन्स बहुत लिए हैं ना आपने। एट ऑफ कप्स, यस, फाइनली जब आप चीज़ अपने लाइफ के
इस पड़ाव पर है, ऐसे मुकाम पर है जहाँ पर आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है, जहाँ पर आपने सब कुछ छोड़ दिया है, ईश्वर के हवाले, ईश्वर के हाथ में दे दिया है, अपने आप को भी सौंप दिया है। 10-10 देखा हमने, कंप्लीशन का कार्ड होता है, तो फाइनली वो साइकिल कंप्लीट हो गई है जिसको आप बहुत दिनों से चला रहे थे। अब वो टायर घिस गए भाई, साइकिल ख़त्म है साइकिल। चलो अच्छी बात है, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, साहस आप लोगों को भर भर के दिया जाएगा। 8 of Cups के तुरंत नीचे स्ट्रेंथ का कार्ड, 8 नंबर, आपके कर्मों का फल है ये जो आपको दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत स्टेबल कनेक्शन आ रहे हैं गाइस, गेट रेडी। 9 of Wands, नहीं होपलेस फील मत कीजिए, जैसे ही आप होपलेस एनर्जी से बाहर आएंगे उसके बाद मिरेकल, उसके बाद आप देखेंगे अरे वाह चमत्कार होते हैं, इफ़ यू बिलीव, कहते हैं ना अगर आप मानते हैं तो, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है 9 of Wands, तो उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है। Six of Cups, बहुत सारे लोगों के को पता है कि ये पर्सन, मतलब ये पर्सन को आप जानते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि ये पर्सन आपके पास्ट से हो। डिवाइन टाइमिंग है, कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आप इस पर्सन से मिल रहे हैं, जज्बात बदल गए भाई, मतलब आपने उम्मीद छोड़ी ना, जब आपने उम्मीद छोड़ी तब जाके ये चीज़ें हो रही हैं। मून, और ये आया है ब्रूम के नीचे, यानी डेथ कार्ड के नीचे मून आया है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस टुगेदर। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, गेट रेडी। जनरल रीडिंग है आपको पता है, कलेक्टिव रीडिंग है आपको पता है, ठीक है, कुछ लोगों के एनर्जी से हम ग्रैप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है सबके लिए रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। तो अगर तो आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिसको शायद आप जानते हैं, आपके पास्ट से हो सकते हैं, ठीक है, जिनको आपने हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। सो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं कमिटमेंट देते हुए, ओके। 2 of Pentacles, आपकी स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी जिसमें आपको पुराने पर्सन में से और नए पर्सन में से चूज करने के लिए आप कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट का मामला हो सकता है, क्योंकि पहला कार्ड 4 of Wands आया था जो कि ट्विन फ्लेम को दर्शाता है, और यहाँ पे 6 of Cups है जो कि सोलमेट को दर्शाता है। तो अब आप सोलमेट को चूज़ करेंगे अपने ट्विन फ्लेम को, क्योंकि देर इज़ अ पर्सन जिसको आप जानते हैं एंड देर इज़ अ पर्सन जिसको आप नहीं जानते हैं, वो दो दो लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फाइनली आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन चूज़ उसी को कीजिएगा जो आपकी लाइफ को बैलेंस करे, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेंस के नीचे आया है ये कार्ड, 2 of Pentacles का कार्ड टेम्परेंस के नीचे आया है। आप चूज़ प्लीज़ उसी को करें जो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेके आए, जहाँ पर आप इमोशनली प्रोफेशनली हर चीज़ से फुलफिल्ड, हर चीज़ से खुश महसूस करें, खुशी महसूस करें। ऐसे ही इंसान को आपको चूज़ करने की जो है यहाँ पे सलाह दी जा रही है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस और अपना आपका मेंटल स्टेटस जिससे दुरुस्त रहे, क्योंकि एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर। डेफिनेटली एक पर्टिकुलर पर्सन तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार ऑफर करेगा, और एक पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं बहुत वेल्दी हो और उनके पास बहुत ज़्यादा धन हो, तो आपको चुनना है, आप मन चुनेंगे या धन चुनेंगे, इमोशंस या फाइनेंसेस,
दोनों में से क्या चूज करेंगे? डेफिनेटली दो लोगों को चूज करने में आपको दिक्कत आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर है टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स के नीचे थ्री ऑफ पेंटिकल्स। भाई किसी गेट टुगेदर में आप किसी से मिलने तो वाले हैं, खैर ये तो कन्फर्म है। यहाँ पे भी लोग हैं, यहाँ पर भी लोग हैं, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, एक के नीचे एक आया है। किसी पर्टिकुलर पर्सन से तो आप एक भीड़ में, एक क्राउड में, एक राउंड टेबल के इर्द गिर्द कहीं पर मिल रहे हैं, और एक पर्टिकुलर पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? जिससे आप नए मिलने वाले हैं या जिसको आप जानते हैं? बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, ये तो आप ही के ऊपर है भाई। नाइट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है, तो जिस पे आपने उम्मीदें छोड़ दी वो पर्सन तो लौट रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, और ज़्यादातर लोग भाई भुक्त भोगी हमारे कर्मा बिलीवर्स गांव में जो सारे लोग हैं सबको प्यार चाहिए, किसी को ये चाहिए ही नहीं, मतलब नहीं चाहिए पैसा, नहीं चाहिए भाड़ में जाए पैसा, सबको ये चाहिए, कप, एस ऑफ कप्स चाहिए। तो क्या करेंगे इस कप का? कॉफ़ी बना के कितना पियेंगे? ये ज़रूरी होता है, किसी ने सिखाया है हमें, पता है पैसा बहुत ज़रूरी है। नहीं, हमको सिखाया लेकिन हम सीखे नहीं हैं, हम नहीं मानते हैं, हमारे लिए आज भी यही ज़रूरी है, हम यही खाते हैं, यही पीते हैं ना, पैसा हमारे लिए लीस्ट प्रायोरिटी पे आता है, लेकिन ज़रूरी तो होता है ना, ज़रूरी तो है, सबको पता है ज़रूरी है तो है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकल और वो इमोशनल माइंडसेट है ना, उसकी जो जद्दोजहद में इंसान फंसा रह जाता है ना, तो उनमें से हम एक एग्जांपल है जहाँ हम फंसे रह गए कि भाई ये या ये, ये या ये, कि पेंटिकल्स इम्पॉर्टेंट है या एस ऑफ कप्स इम्पॉर्टेंट है, इमोशंस इम्पॉर्टेंट हमारे लिए, हमेशा से इमोशंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू रही है। भाई इतने साल, इतनी ज़िंदगी, कितने अरसे, इतने मौसम गुजार दिए इसी थॉट में कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं, ये नहीं, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम पे भी हम शायद इसी के साथ रहें। क्योंकि देखिए, माइंड को आप चेंज नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर पर्सन को आप में आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे ना, जो जैसा बॉर्न हुआ है, क्योंकि हम इसी क्वालिटी के साथ बॉर्न हुए हैं, अब हमारे लिए हमेशा से ना वो एक होता है ना कि हाँ ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन एक हद तक ठीक है भाई, जितना पैर फैलाने को उतनी चादर मिल जाए ना तो बहुत है, तो बस ठीक है, काम चलना चाहिए बस, है ना। तो ज़्यादा की उम्मीद नहीं करते हम, ज़्यादा ये ज़्यादा चलेगा, भर भर के जो है, जहाँ पे प्यार हो, प्रेम सौहार्द हो, चीज़ें अच्छी अच्छी चलें, इमोशंस फुलफिलमेंट हो, खुश रहे इंसान, तो वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, कहने का मतलब ये है। बाकी आप लोगों को भी यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, और आप ज़्यादातर लोग ना चुनेंगे अपने माइंड, दिमाग से बहुत अच्छे से, दिमाग और दिल की खेल जाएंगे इस बार दोनों, और बहुत अच्छी से आप चुन पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो दो लोग आ रहे हैं, मतलब दो लोग में से आप, आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट और इमोशनल सपोर्ट किससे मिलेगा ये आप जानते हैं, और आपको ये पता भी चल जाएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली देयर इज अ चॉइस कमिंग इन बिटवीन, तो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, तो आप एस ऑफ कप्स चुनेंगे या एस ऑफ पेंटिकल्स? ज़्यादातर लोग तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों चुनेंगे, दोनों इंसान को नहीं चुनेंगे, मतलब जिस पर्सन में वो दोनों चीज़ें मौजूद हो, जो फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल हो और इमोशनली भी बहुत मजबूत हो, जो प्यार से भी भरा हुआ हो। लेकिन देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ने वाली है, ठीक है, घर के काम, घरेलू काम, ये सब सीख लीजिए कुछ, ठीक है, सबको कह रहे हैं हम, अगर आप मेल हैं तो भी, जो आपकी पार्टनर होने वाली हैं बहुत काम कराएंगी आपसे, और जो फीमेल है वो भी, आपके मेल पार्टनर हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं, ठीक है, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, और घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ला दी जाएंगी, तो तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, आप
ये मत समझिए कि आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की थोड़ी बहुत कमी होगी। वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन है ना, तो दोनों चीज़ें मिलना नामुमकिन है, लगभग लगभग इम्पॉसिबल है। देखिए, शुगर कोट करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि एक ही पर्सन में एक ही पर्सन आप चूज़ करें जिसके पास ये भी हो और ये भी हो, इट्स नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल है। क्यों है हम बता रहे हैं ना, सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वापस से स्पिरिचुअल कनेक्शन अट्रैक्ट किया आप लोगों ने अपनी लाइफ में, तो आसान तो होगा नहीं, ठीक है। वही झमेले झाटी झगड़े, थोड़े बहुत घरेलू मुसीबतें। तो अगर आप ये किसी पर्टिकुलर पर्सन से, नए पर्सन से भी मिल रहे हैं, तो भी इस रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी। और अगर आप किसी पुराने पर्सन को भी अपनी लाइफ में एंटरटेन कर रहे हैं, मतलब जिसको चूज़ कर रहे हैं, उसके साथ भी रिलेशनशिप में थोड़ी मुश्किलें आएंगी। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ने वाली हैं। तो इस एनर्जीज, ऑब्वियसली ये एनर्जीज होने वाली है, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आप जाने वाले हैं। कंप्लीशन का टाइम है, तो तैयारी कर लीजिए, ठीक है। कुछ लोग बिल्कुल ही अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। अब तक जैसी लाइफ जीते आए हैं वैसी लाइफ नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि भाई चकाचौंध, वो दूसरों को देख देख के खुश होते हैं ना, बहुत सारे लोग दूसरों को देख के बड़े खुश होते हैं कि अरे देखो नई नई शादी हुई है, वो फलान जा रहे हैं, फलान बाइक में घूम रहे हैं, चाट पापड़ी खा रहे हैं। कुछ लोगों को होता है ना, एक फील होता है, बहुत सारे लोगों को फील होता है ऐसा बाहर, कि भाई देखो लाल लाल चूड़ा पहना है, नई नई शादी हुई होगी। तो वो सब देख के मेसमराइज होने से अच्छा है आप अपने ऊपर फोकस करें कि आप ये सब चीज़ें तैयार, ये सब चीज़ें झेल पाएंगे कि नहीं। क्योंकि ये तो भाई अब तक आपकी लाइफ रही है, सुबह उठे, आराम से बैठे, चाय पी, टीवी देखा, ये एक साथ ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। तो आपको जो है ये पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लीजिए, ये भर भर के घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, गधा मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए भाई। बहुत सारे लोग ब्रूम ये पकड़ने को तैयार हो जाइए, एक तरह से ऐसी एनर्जीज हैं। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। बिहाइंड द सीन्स ये सब चीज़ें चल रही हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आउट ऑफ द सडन एक मैरिज प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में एक स्टेबल पोजिशन में, स्टेबल रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं, शादी के बंधन में। हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया है, उसके ठीक नीचे 6 ऑफ कप्स है। तो बहुत सारे लोग तो अपने पर्सन को ही चुनेंगे यहाँ पे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हायरोफेंट के नीचे ठीक नीचे 6 ऑफ कप्स है। तो ये पास्ट पर्सन है जिसको आप चूज़ करेंगे, जिसके साथ आप मैरिज कमिटमेंट में, रिलेशनशिप में आएंगे। और बहुत सारे लोग किसी नए पर्सन को चूज़ करेंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है एक नए पर्सन को चूज़ करके अपना घर बसाएंगे, ऐसी एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स, यस, पुराना पर्सन तो लौट रहा है भाई, पुराना पर्सन तो लौट रहा है, बहुत भर भर के प्यार लेके आ रहा है वो भी। फाइनली आपको डिसीजन लेना है, आपका डिसीजन सराफों पर है, हम तो क्या ही बोले। और कहीं पर अगर किसी जद्दोजहद में कहीं पर अटकते हैं, फंस जाते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं टेक अ पर्सनल रीडिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। हमारा दिमाग मत खाइए भाई, लेकिन आप बहुत ज़रूरी है तो ठीक है, हम भी रीडिंग करते हैं, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही होता है ना कि हम हमेशा से बोलते हैं कि टेक अ रीडिंग फ्रॉम समवन, समवन, वो समवन में हम भी आते हैं। तो ये है अभी तक का अपडेट, अभी तक की आप लोगों की रैंडम रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो, नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं भाई, जाने दीजिएगा, हो सकता है आपकी रीडिंग ना हो, ज़बरदस्ती अपने यहाँ पर नहीं छाप लेना है उसको, ठीक है। तो चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, और दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, कल अष्टमी है, और फाइनली दुर्गा पूजा, पता ही नहीं चल रहा यार समय कितनी जल्दी जल्दी बीत रहा है। पिछले साल दुर्गा पूजा में भी हम गए थे और नाच रहे थे हम, और इस बार देखो दुर्गा पूजा फिर आ गया है, कल जाना है अष्टमी पूजा में पुष्पांजलि देने, अच्छा है। खैर चलते हैं, और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, देखिए वाइट बॉल्स कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर ब्लैक बॉल्स जो हैं, जो आपने
नोइंगली अनोइंगली जाने अनजाने में जो इकट्ठा किए हैं वो नीचे सरफेस पे चले जाएंगे, धीरे 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 निकल जाएंगे, और वो वाइट बॉल्स ऊपर आते रहेंगे तो आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे और आपको जो है जस्टिस जिसका आप वेट करते रहते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि जस्टिस तो चाहिए ना हम लोगों को, कर्मा बिलीवर्स को क्या चाहिए, जिन लोगों ने गलत किया है उन लोगों को जस्टिस मिले, हम लोग यही चाहते हैं ना, इंसाफ हमारे साथ होना चाहिए, नहीं तो भगवान जी पर भरोसा उठ जाता है यार, यही होता है, जाहिर सी बात है इंसान है हम लोग, भगवान तो है नहीं। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, तो ये रही आप लोगों की रैंडम रीडिंग, ठीक है अभी हम चलते हैं। तो और प्लीज़ जो लोग टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं वो अभी से कॉन्टैक्ट कीजिएगा क्योंकि एनरोलमेंट बंद होने वाली है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।